राजस्थान में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार का काम भी तेज हो चुका है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए प्रचार की कमान अब पीएम मोदी ने थाम ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में दोनों ओर से एक दूसरे पर तीखे वार करना जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के बाद बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बांसवाड़ा की जनसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी की अज्ञानता पर तंज कसते हुए कहा, किस नामदार को इतना ज्ञान नहीं है कि एनसीसी क्या होता है, इस नामदार को ये ज्ञान नहीं है कि घोषणा पत्र क्या होता है, इस नामदार को ये ज्ञान नहीं है कि मैं कैलाश मानसरोवर जाकर आया लेकिन कैलाश मानसरोवर होता क्या है। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जिसके नामदार जैसे नेता को राजस्थान की पार्टी सीरियस नहीं लेती है उसको आपको सीरियस लेना चाहिए क्या। उन्होंने ऐसा बोला और उनके पार्टी के घोषणा पत्र तक में ऐसा नहीं लिखा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले भीलवाड़ा में हुई रैली में भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया था। वहीं हर चुनाव की तरह राजस्थान चुनाव में भी पीएम मोदी पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर वो उनकी जाति पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल हो या उनकी माँ और पिता को लेकर की गई टिप्पणी हो, उन्होंने कांग्रेस के हर हमले का बाखूबी जवाब दिया है। वहीं अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी इसका क्या जवाब देते हैं। खबर अपडेट की रिपोर्ट।